फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस के एक एएसआई को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस टीम को सूचना मिली थी कि एक बाइक को छोड़ने के एवज में सेक्टर 3 की पुलिस चौकी में तैनात एएसआई 5,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल विजिलेंस टीम ने अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी एएसआई का मेडिकल करा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार बेशक जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात करती हो, लेकिन उसके ही पुलिस में तैनात पुलिस कर्मी सरकार की नीतियों को पलीता लगाते दिख रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है, जहां सेक्टर 3 पुलिस चौकी में मुंशी के पद पर तैनात एक एएसआई ने बाइक को छोड़ने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। दरअसल पिछले दिनों फरीदाबाद के सेक्टर 12 में किसी कार्यक्रम के दौरान पीड़ित की बाइक चोरी हो गई थी। जब पीड़ित ने इसकी तलाश की तो ये बाइक सेक्टर 3 की पुलिस चौकी में मिली, जहां जाकर पीड़ित ने अपनी बाइक को छोड़ने के लिए एएसआई नरसिंह से बात की तो उन्होंने 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। पीड़ित ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग में कर दी, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी एएसआई नरसिंह को पाउडर लगे हुए नोटों समेत रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल विजिलेंस विभाग ने आरोपी एएसआई नरसिंह को गिरफ्तार कर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आरोपी का मेडिकल कराकर अदालत में पेश करने की तैयारी कर ली है। ये एक मुदई है हमारा, अविनाश शर्मा बल्लभगढ़ का रहने वाला है। इसकी मोटरसाइकिल 8-10 दिन पहले सेक्टर 12 में इसने कोई इवेंट करवाया था, वहाँ से गुम हो गई थी। तो ये ढूंढता सेक्टर 3 की चौकी में पहुँचा, वहाँ इसको अपनी मोटरसाइकिल खड़ी हुई मिल गई। तो जब इसने कहा ये मोटरसाइकिल मेरी है, तो वहाँ चौकी के मुंशी ने जो है 5,000 की डिमांड की। डिमांड करने के बाद इसने हमसे संपर्क साधा, हमने यहाँ पर टीम इंस्पेक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में गठित करके टीम वहाँ भेजी और हमारी टीम ने जो इसको 5,000 रुपये लेते हुए रेड हैंडेड वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। किस तरीके से भेजा गया था पैसे लेके? पैसे के हमने लेके ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैयार करके उनको अपना जो हमारा नियम है अपना पाउडर लगाने का वो करके सारा तैयार और टीम के साथ उसको जो है वहाँ भेज दिया सेक्टर 3 में। अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है मुंशी के खिलाफ? मुंशी को हमने मौके पर रेड हैंडेड गिरफ्तार कर लिया है और जो है कल इसको पेश अदालत किया। क्या नाम है मुंशी का? मुंशी का नाम है ईएसआई नरसिंह। कहाँ पे तैनात है ये? सेक्टर 3 की चौकी में तैनात मुंशी। मुंशी